सरकारी खजाने की लूट पर सबसे बड़ा खुलासा। मोदी सरकार के चेहरे की उड़ गई हवाइयां, किसने रिपोर्ट कर दी ली? मोदी के लिए बीजेपी सरकार ने अरबों रुपया लुटा दिया। रिपोर्ट आई सामने तो भागते फिर रहे बीजेपी नेता। खुद बीजेपी नेताओं ने खोल दी खजाने की लूट की कहानी। इस साल का सबसे धमाकेदार खुलासा। इनको तो आप पहचानते ही हैं, संवैधानिक तौर पर इन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन हर अवसर पर नए नए रूप दिखाने की वजह से विपक्ष ने इनको परिधान मंत्री का नाम दिया है। मतलब मौसम कोई हो, हालात कोई हो, स्थिति कोई हो, लेकिन साहिब की फोटो से मजाक कोई कर नहीं सकता। फोटो के लिए तो ये बड़े बड़ों को हड़का देते हैं। खैर, साहिब की पहली पसंद बीजेपी के तमाम नेताओं को पता है, और पता ये भी है कि इनके ही रहमो करम पर बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो साहिब की एक अदद मुस्कान देखने के लिए करोड़ों रुपए लुटा दिया गया। ना ना, अपनी आंटी से नहीं लुटाया है। अपना पैसा उड़ाते तो नेता थोड़े ही कहलाते। आपकी और हमारी रकम को बीजेपी सरकारों ने साहिब के लिए बिल्कुल वैसे ही लुटाया है जैसे भाभी की विदाई पर देवर नोट उड़ाता है। मोदी जी को थैंक यू कहना पड़ गया भारी। करोड़ों रुपए की जनता को लगी चपत, बीजेपी नेताओं की बल्ले बल्ले। याद है आपको, कोरोना काल के दौरान बीजेपी के नेता गाल बड़े चलाते थे। उसी दौरान जब वैक्सीन आई तो बीजेपी की वैक्सीन कहकर उसका प्रचार करने लगे। यूपी और उत्तराखंड में तो सारी हदें पार कर दी थी। बताने लगे थे कि फ्री में वैक्सीन दी है मोदी जी ने, जैसे अपनी कुटिया के नीचे दबे खजाने को साहिब ने खोल दिया हो। वैक्सीन के नाम पर जमकर खेल किया। उसके बाद साहिब को खुश करने की बारी आई तो साहिब की एक मुस्कान करोड़ों की पड़ी है। मतलब कि मोनालिसा भी शर्मा जाए कि हाय, मेरी मुस्कान का ये दाम कभी नहीं रहा। साहिब मुस्कुराए तो जमकर पैसे लुटाए। लियोनार्डो दा विंची जिंदा होता तो मत्थाई पीट लेता। खैर, ये खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ कि कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर हो या फिर मुफ्त सिलेंडर योजना, जनधन की बात हो या फिर जल जीवन मिशन की, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल खोलकर मोदी जी को थैंक यू कहा। बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए और फिर साहिब को थैंक यू कहने के चक्कर में अरबों लुटा दिए। आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है उसे समझ भी लीजिए। थैंक यू वाले विज्ञापनों पर कुल 18,03,89,252 रुपया खर्च हुआ। गुजरात सरकार ने थैंक यू वाले विज्ञापन पर 2,10,26,410 रुपया उड़ा दिया। उत्तराखंड सरकार ने भी थैंक यू वाले विज्ञापन पर 2,42,84,198 रुपया उड़ाया। कर्नाटक सरकार ने थैंक यू वाले विज्ञापन पर 2,19,00,000 रुपये उड़ा दिए। अब इसका आकलन खुद ही करिए कि करीब 19 करोड़ रुपया जो मोदी जी को थैंक यू कहने के लिए इन बीजेपी शासित राज्यों ने उड़ा दिए, उससे देश का कितना कल्याण हो सकता था, कितने गरीबों को राशन मिल सकता था। तभी तो बीजेपी नेता कहते हैं कि मोदी जी सबसे अलग है। मोदी लेखा लाखों का सूट पहनते हैं, हजारों रुपए का मशरूम खाते हैं, और साहिब की एक मुस्कान का दाम तो आपने देख ही लिया। इस फिजूल खर्ची पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।